अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स मैं जिशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर बेटा कैसे आप लोग मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे माय डे स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के एम सी क्यूज जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि एम सी क्यूज बेस करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे कि कितना थॉरोली कितना डीपली हमने चैप्टर कॉन्टेंट्स में प्रेजेंट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया है तो चलते हैं आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं डे स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट एमसीक्यू अबाउट 99 नाइन परसेंट एटमोसफियर मैस लाइज विद इन हमारे ऑप्शंस ए है थर्टी किलोमीटर बी ऑप्शन थर्टी फाइव किलोमीटर सी ऑप्शन वन पॉइंट फाइव किलोमीटर फिफ्टीन किलोमीटर और हमारा डी ऑप्शन है अलेवन किलोमीटर डियर स्टूडेंट्स हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है थर्टी किलोमीटर एटमॉस्फेयर का 99 नाइन परसेंट मैस प्रेजेंट होता है 30 किलोमीटर में 30 किलोमीटर मींस फ्रॉम अर्थ सरफेस टू 30 किलोमीटर अबव हमारा सेकेंड एमसीक्यू डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू हमारे ऑप्शंस ए वन रीजन बी टू रीजन्स सी थ्री रीजनस और डी फोर रीजन्स टेम्परेचर वेरिएशन की बेस पे हम एटमोसफियर को फोर रीजन में डिवाइड करते हैं तो सेकेंड एमसीक्यू में हमारा राइट right ऑप्शन है डी फोर रीजन हमारा थर्ड एमसीक्यू जस्ट अबव द अर्थ सर्फस इज ऑप्शन ए मिजो सफ़ियर बी सेप्रेटोसफियर सी थर्मोसफियर और डी ट्रोपोस्फीयर। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो पहला पार्ट जो पहला कंपोनेंट एटमोसफियर का प्रेजेंट होता है वो है ट्रोपोसफियर यानी एमसीक्यू नंबर थ्री में हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ट्रोपोसफियर हमारा फोर्थ एमसीक्यू ए ग्रुप ऑफ गैसेस डेट मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर इज हमारे ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स हमारा बी ऑप्शन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सी ऑप्शन ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स जबकि हमारा डी ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मैडे स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स तो हम कहेंगे कि एमसीक्यू नंबर फोर में हमारा राइट right ऑप्शन है कार्बन डाइक्साइड एंड वाटर पेपर्स हमारा फिफ्थ एमसीक्यू द अर्थ एटमोसफियर इज गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ ए ऑप्शन इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनऑक्साइड बी ऑप्शन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सी ऑप्शन इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ अजोन जबकि हमारा डी ऑप्शन है इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड माइ डे स्टूडेंट अर्थ एटमोस्फियर विद द पैसेज ऑफ टाइम हॉटर होता जा रहा है और इसकी रीजन है इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो एमसीक्यू नंबर फाइव में हमारा राइट ऑप्शन होगा बी इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सिक्स एमसीक्यू च वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे ऑप्शन ए इंक्रीजिंग एटमोसफेरिक टेम्परेचर बी ऑप्शन इंक्रीजिंग फूड चेन सी ऑप्शन इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क जबकि डी ऑप्शन है इंक्रीजिंग सी लेवल मेरे डे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से फूड चेन अफेक्ट होती है डिक्रीज होती है तो हम, हम कहेंगे सिक्स एमसीक्यू में हमारा राइट right ऑप्शन है बी इंक्रीजिंग फूड चेन्स सेवन एमसीक्यू नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ हमारे ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड गैस बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस सी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड गैस जबकि डी ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मेडियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रेन वाटर में कार्बन का ऑक्साइड शामिल होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड एसिडिक है तो इस एसिडिक कंपोनेंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो रेन वाटर है वो एसिडिक हो जाता है तो हमारा बी ऑप्शन है सीओ टू गैस इज द राइट ऑप्शन हमारा एमसीक्यू नंबर एट बिल्डिंग्स आर बींग डेमेज बाई एसेड रेन बिकॉज इट अटैक्स ए ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट बी ऑप्शन कैल्शियम नाइट्रेट सी ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट जबकि डी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइलेट मैड स्टूडेंट हम जानते हैं एसेड रेन मार्बल वर्क ऑफ बिल्डिंग को इफेक्ट करता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट को तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर द एमसीक्यू नंबर एट हमारा नाइन्थ एमसीक्यू एसिड रेन अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ बाई क्लॉगिंग फिश गिल्स बिकॉज ऑफ हमारे ऑप्शन ए लेड मेटल बी ऑप्शन क्रोमियम मेटल सी ऑप्शन मर्क्री मेटल डी ऑप्शन एलोमिनियम मेटल एलोमिनियम आइंस की वजह से एक्चुअली फिश गिल्स की क्लॉगिंग होती है जिसे अल्टीमेटली सफोकेशन काज होती है और फिश की डेथ हो जाती है तो हम कहेंगे एमसीक्यू नंबर नाइन में हमारा राइट right ऑप्शन है डी एलुमिनियम मेटल माय डियर स्टूडेंट्स हमारा टेंथ एमसीक्यू ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर अस एज इट हमारे ऑप्शन ए एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशंस बी एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस सी एब्जॉर्ब्स क्लोरो फ्लोरो कार्बंस और डी ऑप्शन है एब्जॉर्ब्स एयर पॉल्यूटेंट्स माइडे स्टूडेंट्स ओजोन कि एक सेफ्टी लेयर प्रेजेंट है ओवर द अर्थ इस सेफ्टी लेयर में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हार्मफुल अमाउंट अर्थ पर नहीं पहुंच पाती तो हम कहेंगे यूवी रेडिएशंस जो कि इनर्जेटिक रेडिएशन हैं व्हाइट लाइट की ये अर्थ पर पहुंच नहीं पाती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अजोन लेयर अबव द अर्थ तो हम कहेंगे एमसीक्यू नंबर टेन में हमारा डेफिनेटली राइट ऑप्शन है बी एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन हमारा एमसीक्यू नंबर अलेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट ऑप्शन ए नाइट्रोजन बी कार्बन मोनोऑक्साइड सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी है ओजोन डे स्टूडेंट्स ओजोन एयर पॉल्यूटेंट नहीं है यह एक सेफ्टी लेयर है इन द एटमॉस्फेयर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हार्मफुल अमाउंट को अर्थ पर पहुंचने नहीं देती तो डेफिनेटली एमसीक्यू नंबर अलेवन में हमारा राइट right ऑप्शन होगा डी ओजोन हमारा एमसीक्यू नंबर ट्वेल्व आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय हमारे ऑप्शन ए कार्बन मोनोक्साइड बी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड सी ऑप्शन मीथेन डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड माइडे स्टूडेंट्स बिल्डिंग्स का जो आयरन और स्टील स्ट्रक्चर्स हैं ये डैमेज होते हैं ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड तो हम कहेंगे एमसीक्यू नंबर ट्वेल्व में हमारा राइट right ऑप्शन है बी सल्फर डाइऑक्साइड एमसीक्यू में थर्ड इन इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ आर एब्सॉर्ब बाय ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बी ऑप्शन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डियर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशंस जो एमिट होती हैं अर्थ से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स तो हम कहेंगे हमारा राइट right ऑप्शन है ए फॉर द एमसीक्यू की नंबर थर्टीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमारा फोर्टीन एमसीक्यू ग्लोबल वार्मिंग काज इज राइजिंग ऑफ द सी लेवल द काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड गैस सी ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस, जबकि डी ऑप्शन है ओजोन गैस डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड की जो सेफ्टी लेयर मौजूद है इन द एटमोसफेयर ये डेंस कंसेंट्रेट होती जा रही है जिसकी वजह से इंफ्रारेड रेडिएशंस रेडिएशन जो सन से आती हैं री एमिट होती हैं फ्रॉम द अर्थ ये वापस क्रॉस नहीं कर पाती कार्बन डाइऑक्साइड की डेंस लेयर को जिससे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है तो हम कहेंगे एमसीयू की नंबर फोर्टीन में हमारा राइट right ऑप्शन है सीओ टू गैस यानी ऑप्शन ए हमारा फिफ्टीन एमसीक्यू विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम यूवी रेडिएशन ई से यू वी रेडिएशन देन इट्स मीन अल्ट्रा वायलट रेडिएशन हमारे ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड सी ऑप्शन नाइट्रोजन गैस और डी ऑप्शन है ओजोन ओजोन की सेफ्टी लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की हार्मफुल अमाउंट को अर्थ पर आने से रोकती है तो हम कहेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन है डी ओजोन द एमसीक्यू नंबर फिफ्टीन हमारा सिक्सटीन एमसीक्यू इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन आर एक्सेप्ट द फॉलोइंग वन ए ऑप्शन है इंक्रीजिज इंफेक्शियस डिजीजेस बी ऑप्शन इंक्रीजेज क्रॉप प्रोडक्शन सी ऑप्शन कैन काज स्किन कैंसर डी ऑप्शन कैन काज क्लाइमेट चेंजेस मेरे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ओजोन लेयर की डिप्लिशन से इंफेक्शियस डिजीजेस काज होती हैं, स्किन कैंसर काज होता है और क्लाइमेटिक चेंजेस बी अकर होती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन है बी इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन एक्चुअली ओजोन लेयर की डिप्लीशन से क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है तो हमारा राइट right ऑप्शन होगा बी फॉर द एमसीक्यू नंबर सिक्सटीन हमारा सेवनटीन एमसीक्यू विच वन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स इज नॉट फाउंड इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स हमारे ऑप्शन ए कार्बन मोनऑक्साइड बी ऑप्शन ओजोन सी ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जबकि डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड डियर स्टूडेंट्स कार्बन के ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं उस गैस में जो ऑटोमोबाइल के एग्जास्ट से प्रोड्यूस होती है ओजोन प्रेजेंट नहीं होती इन द गैसेस विच आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द एग्जास्ट पाइप ऑफ एन ऑटोमोबाइल तो हम कहेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन है बी ओजोन फॉर द एमसीक्यू नंबर सेवनटीन हमारा एटीन एमसीक्यू द प्रोसेस बाई विच एटमोसफेरिक नाइट्रोजन इज टर्न इंटू नाइट्रेट्स इन द सॉइल इज कॉल्ड हमारे ऑप्शन ए नाइट्रेशन बी ऑप्शन फिक्सिंग सी ऑप्शन ऑक्सीडेशन डी ऑप्शन रिडक्शन नाइट्रोजन फिक्सिंग विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन तो डेफिनेटली हमारा राइट right ऑप्शन है ए नाइट्रेशन फॉर द एमसीक्यू नंबर 18 हमारा 19 एमसीक्यू Global warming is caused by options A absorption of infrared radiation emitted by Earth's surface. B option absorption of infrared radiations coming from the sun. C option absorption of ultraviolet radiations coming from the sun or D option A emission of ultraviolet radiation from the अर्थ सरफस माइडे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब अल्ट्रा वायलट रेडिएशंस सन से आती हैं उनकी हार्मफुल अमाउंट को एक्चुअली सेफ कर लेता है हमारा ओजोन लेयर जिसकी वजह से यूवी रेडिएशंस की हार्मफुल अमाउंट अर्थ पर पहुंच नहीं पाती हैं इसलिए हम कहेंगे कि हमारा राइट right ऑप्शन है एमसीक्यू नंबर 19 में सी एब्सॉर्बेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन माय डियर स्टूडेंट्स हमारा एमसीक्यू नंबर 20 कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू अस बिकॉज ऑप्शन ए इट पैरालाइज़ेस द लंग्स बी ऑप्शन इट डैमेज लंग्स टिश्यूज सी ऑप्शन इट रेड्यूसिज ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन और डी ऑप्शन है इट मेक्स द ब्लड को एगुलेट डेयर स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर ट्वेंटी में हमारा राइट right ऑप्शन है सी इट रेड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन हिमोग्लोबन डेयर स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एनिमल बॉडी में हीमोग्लोबन ऑक्सीजन कैरियर है फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी और अगर हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना बंद बन कर देता है और बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है विद कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे डेफिनेटली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन फ्राहम अवेलेबल नहीं होगी और अल्टीमेटली कैन काज द डेथ तो हम कहेंगे एमसीक्यू नंबर ट्वेंटी में हमारा राइट ऑप्शन है सी मैडे स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि आपसे लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि एम बेस करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर में डिस्कस किए हैं तो एम सॉल्व करने से पहले अटैम्प्ट करने से पहले आप लोगों ने चैप्टर कॉन्टेंट्स में मौजूद तमाम लेक्चर्स को रिव्यू करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट आइडियाज अबाउट द टॉपिक्स बेहतर से बेहतर हो जाए और आपके लिए राइट right ऑप्शन को चूज करने में प्रॉब्लम ना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज